एपिसोड 852, कामयाबी का एक और कदम। सुमेर को पूरा कॉन्फिडेंस था कि उसने जो कहानी सुनाई थी उस पर सुरभि को यकीन जरूर होगा, और जाहिर सी बात थी कि अपने ही माँ बाप से ठुकराई हुई अकेली लड़की को अगर इस कंडीशन में एक भी उम्मीद नजर आए तो वो उस उम्मीद को जरूर कैच करने की कोशिश करेगी। और वाकई में यही हुआ। सुरभि ने कहा, मैं सोचकर आपको बताती हूँ, देखिए बुरा मत मानिएगा, लेकिन एकदम से किसी अजनबी पर यकीन करना, खैर आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए, जैसा भी होगा मैं आपको कॉल कर लूंगी। ये सुनते ही सुमेर ने मन में सोचा, बस हो गया मेरा काम, सोचकर बताना चाह रही है और मेरा नंबर मांग रही है तो इसका मतलब इसका जवाब हाँ ही होगा। इतना सोचते हुए सुमेर ने तुरंत ही सुरभि को अपना नंबर दे दिया और बोला, अब मैं चलता हूँ, लेकिन याद रखिएगा, एक बहन का भाई होने के नाते मैं अब किसी बहन की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दे सकता, इसीलिए मैं उन बहनों को ढूंढ रहा हूँ जो ऐसी कंडीशन में है जिस कंडीशन में कभी मेरी बहन हुआ करती थी। इतना कहते हुए सुमेर ने झूठ मूठ में अपनी आंखों को साफ किया और बोला, माफ कीजिएगा, वो अपनी बहन को याद करते हुए थोड़ी आंखें भर आई, आखिर वो सबकी लाडली जो थी। खैर अब मैं चलता हूँ बहन, अगर आपको अपने इस भाई पर जरा सा भी भरोसा हो तो जरूर फोन कीजिएगा। इतना कहकर सुमेर वहां से चला गया और सुरभि सुमेर को जाते हुए देखती रही। दो लड़कियों के टारगेट को तो सुमेर कंप्लीट कर चुका था, लेकिन अब बारी थी तीसरी लड़की की, और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उस लिस्ट में से तीसरी लड़की कौन हो सकती थी, क्योंकि कई जगह गलत एड्रेस लिखा था और कई जगह पर वो लड़की मौजूद नहीं थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अब करे तो क्या करे। उसने मन ही मन सोचा, एक बार हवेली चलकर देखता हूँ, पता तो चले आखिर वहां क्या चल रहा है, उसके बाद फिर से आगे बढ़ूंगा। अपने मन में इतना सोचकर सुमेर वापस अपने घर के लिए लौट चला। एक तरफ जहां सुमेर अपना आधा से ज्यादा काम करके वापस हवेली लौट रहा था, वहीं दूसरी तरफ नकली अनन्या हवेली पहुंच चुकी थी। उसके चेहरे पर जैसे अंगारे दहक रहे थे, उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो कभी भी इंसानी शरीर से बदल कर लावा में बदल जाएगी, लेकिन उसने अपने आप को बहुत मुश्किल से रोक रखा था। ठकुराइन की नजर जैसे ही उस पर पड़ी, ठकुराइन बोली, तुम यहाँ? वो जबरदस्ती मुस्कुराती हुई बोली, हाँ दरअसल मैं अपना मोबाइल लेने जुल्मी के घर गई थी, हम लोग सजनी से मिलने गए थे ना, तो मैं अपना मोबाइल वहीं भूल आई थी, और अब जब मैं वहां से निकली तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार यहाँ आकर देख लूं सब ठीक है कि नहीं। वैसे सब ठीक है ना, सारा काम सही से चल रहा है? मेरे ख्याल से तो सब बहुत तेजी से प्रोग्रेस हो रहा है, ठकुराइन ने कहा। बिल्कुल सब कुछ बिल्कुल ठीक है, आओ बैठो। लेकिन अनन्या की नजरें तो सुमेर को ही ढूंढ रही थी, उसे सुमेर कहीं दिखाई नहीं दिया, तो उसने पूछा, इतनी शांति से काम हो रहा है, इसका मतलब सुमेर घर पर मौजूद नहीं है? ठकुराइन ने कहा, वो सुबह से ही कहीं बाहर गया हुआ है। अनन्या ने अपने मन में कहा, ये तो मुझे भी पता है कि वो सुबह से बाहर गया हुआ है, लेकिन मुझे लगा अब तक तो वो वापस आ गया होगा, बेवकूफ कहीं का, उसे तो ये भी नहीं पता कि उसके पीठ पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश हो रही है, और जहां तक मुझे लग रहा है उन लोगों को मुझ पर शक तो हो रहा है, तभी तो उस ध्रुव ने कुछ बताया नहीं। कम से कम मैं उस सुमेर को ये चेतावनी तो दे ही दूं कि वो सतर्क रह सके, लेकिन जब वो यहाँ है ही नहीं तो मैं बेमतलब यहाँ क्यों रहूं, वापस जाकर ही देखती हूँ, क्या पता और भी कुछ पता चले। इतना सोचते हुए उसने कहा, ठीक है ठकुराइन, तो मैं चलती हूँ, कोई भी काम हो तो हमें जरूर याद कीजिएगा, वैसे हम में से कोई ना कोई तो आता जाता ही रहेगा। ठकुराइन ने कहा, हाँ जरूर तुम जाओ। अनन्या वहां से जैसे ही निकलने लगी कि उसे सामने से सुमेर की जीप आती दिखी। सुमेर को देखकर उसने अपने मन में कहा, अब कैसे रोकूं इसे, बताना भी तो जरूरी है, लेकिन वो धीरे धीरे आगे बढ़ती रही और एकदम से नीचे गिर गई और दर्द के मारे चीखने का नाटक करते हुए बोली, मेरा पैर, आह मेरा पैर मुड़ गया, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ठकुराइन जल्दी से उसके नजदीक आई और बोली, संभाल कर चलना था ना, देख नहीं रही हो यहाँ जगह जगह पर ईट और लोहे की रॉड्स रखे हुए हैं, काम चल रहा है ना, अच्छा बताओ बहुत दर्द हो रहा है क्या? अनन्या ने हाँ में अपना सर हिलाते हुए कहा, हाँ मैं बिल्कुल खड़ी नहीं हो पा रही हूँ। ठकुराइन ने सहारा देकर उसे खड़ा किया तो वो बोली, क्या मैं थोड़ी देर यहाँ बैठ सकती हूँ प्लीज, क्योंकि मैं अभी जाने की कंडीशन में बिल्कुल भी नहीं हूँ। सुमेर भी उसे देख चुका था और क्योंकि सुमेर जानता था कि वो अनन्या नहीं थी, तो उसने तुरंत कहा, कोई बात नहीं तुम मेरे साथ बैठो, मैं तुम्हें जीप में छोड़कर आता हूँ। अनन्या बोली, हाँ ये ठीक रहेगा, वैसे भी यहाँ काम चल रहा है और अगर मैं यहाँ रहूंगी तो आप लोग भी डिस्टर्ब होंगे, सुमेर प्लीज तुम मुझे घर छोड़ दो। ठकुराइन बस उन दोनों को चुपचाप देख रही थी जब सुमेर ने अनन्या को संभाल कर जीप में बिठाया और वे दोनों वहां से चले गए। तब ठकुराइन बोली, कर लो अपनी बातचीत, कर लो सारे राज बयां कर लो, लेकिन होना तो कुछ है नहीं, पता नहीं ये सुमेर कब समझेगा, बस समय पर समझ जाए तो ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए,
वैसे भी मैं क्या सोच रही हूँ, लेकिन मैं भी क्या करूँ, माँ का दिल है, अपने बच्चे की भलाई के बारे में सोचे बिना एक माँ का दिल तो मानता ही नहीं है। दूसरी तरफ चेरी को लेकर ध्रुव और तारा हवेली जाने के लिए निकल गए थे। उन्हें जुल्मी के घर तक जाना था और फिर वहां से जुल्मी की बाइक से ध्रुव चेरी को हवेली छोड़ने वाला था। जैसे ही वे तीनों जुल्मी के घर पहुंचे, चेरी को अपने सामने देखकर जुल्मी तो बस गिरते गिरते बचा। ध्रुव ने उसका कॉलर पकड़ा और बोला, लहराना बाद में, पहले बाइक की चाबी दे। जुल्मी अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए चेरी को देखता हुआ बोला, ये हुस्न परी कौन है? ये सुनकर तारा ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अनन्या भी हमारे साथ ही बाहर खड़ी है, मुझे लगता है उसने भी तुम्हारी बात को सुन लिया होगा। ये सुनते ही जुल्मी बोला, अरे नहीं नहीं, आप लोग गलत समझ रहे हैं, हम तो ये कहना चाहते थे कि ये सुंदर लड़की कौन है, अनन्या जी के जैसी तो कोई हो ही नहीं सकती। नहीं, बुरा मत मानिएगा, आप भी बहुत सुंदर हैं, हम आपकी बुराई नहीं कर रहे हैं, हम तो बस ये कह रहे हैं कि। जुल्मी इतना बोला ही था कि ध्रुव ने कहा, तू क्या कह रहा है, ये हम फुर्सत से सुनेंगे, पहले अपनी उस गुलाबी परी की चाबी दे दे, जिसमें जाहिर सी बात है तूने फिर से वो झूमर लटका दिए होंगे, हम बार बार उसमें से सारे झूमर उतार लेते हैं और तू बार बार उसमें पता नहीं क्या क्या लटका देता है। जुल्मी मुंह बनाता हुआ बोला, देखो तुम उसके बारे में कुछ मत कहो, हम बहुत प्यार से उसको सजा कर रखते हैं, और खबरदार जो तुमने दोबारा उसका गुलाबी फीता उतारा तो। ध्रुव ने हाथ जोड़ते हुए कहा, भाई मैं तेरी उस गुलाबी परी का कुछ नहीं उतारूंगा, मुझे कोई शौक नहीं है तेरी उस मोटरसाइकिल का चीर हरण करने का, मुझे कृपा करके बस उसकी चाबी दे दे, मैं चेरी को हवेली छोड़ दूं और फिर तेरी अमानत सही सलामत तुझे लौटा दूंगा। जुल्मी बोला, देते हैं अभी देते हैं। इतना कहकर वो बाहर झांक कर देखने लगा तो ध्रुव ने कहा, बाहर क्या देख रहा है? जुल्मी बोला, अनन्या जी अभी तक भीतर नहीं आई। ये सुनते ही तारा हंसती हुई बोली, अरे मैं तो मजाक कर रही थी। ये सुनकर जुल्मी बोला, तारा जी हम देख रहे हैं, आजकल आप भी विक्की की तरह हमारी टांग खींचती रहती हैं। अनन्या जी के नाम से आप हमको डराना चाहती हैं? तारा ने कहा, सॉरी सॉरी, मैं तो बस यूं ही मजाक कर रही थी, तुम तो इमोशनल हो गए। जुल्मी मुंह बनाता हुआ भीतर चला गया और जाकर बाइक की चाबी ले आया। सजनी गहरी नींद में सोई हुई थी, इसीलिए उसे इस शोर शराबे के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। ध्रुव ने कहा, जरा कम चिल्लाकर, सजनी सोई हुई है, वो उठ जाएगी और तेरे सुंदर विचार जानकर बहुत सुंदर तरीके से तुझे कूटेगी, फिर रोता पिटता हमारे घर मत आना। जुल्मी एटीट्यूड में बोला, हाँ हाँ नहीं आएंगे, हमारे पास खुद का घर नहीं है क्या, और वैसे भी तुम लोग बुलाते हो तब हम वहां आते हैं, अपने मन से नहीं आते हैं, और हमारी सजनी कभी हमको मारी नहीं है, झूठ मत बोलो। ध्रुव ने कहा, हाँ वो तो हमें बहुत अच्छे से पता है। इतना कहकर ध्रुव ने उसके हाथ से चाबी छीन ली और बोला, चलो तुम लोग, इस जुल्मी का तो चलता ही रहेगा, तारा तुम यही वेट कर लो, मैं चेरी को छोड़कर आता हूँ, फिर तुम्हें पिक कर लूंगा, उसके बाद हम साथ में घर चलेंगे। तारा ने कहा, ठीक है, तब तक मैं सजनी के पास ही बैठ जाती हूँ। एक तरफ जहाँ ध्रुव बाइक पर चेरी को लेकर हवेली के लिए निकला, वहीं दूसरी तरफ सुमेर अनन्या को जीप में बिठाकर वापस ला रहा था और गुस्से में उससे सवाल कर रहा था, तुमसे कितनी बार कहा है कि दिन की रोशनी में मेरे इर्द गिर्द भी आने की कोशिश मत किया करो, मैं नहीं चाहता कि अब कोई भी गड़बड़ हो, हर बार वो ध्रुव मेरे प्लान को फ्लॉप कर देता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो सकता। ये सुनकर उसने गुस्से में सुमेर को देखा और बोली, तुमने मुझे इसलिए बनाया है ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं, तुमने मुझे वहां इसलिए भेजा ताकि मैं वहां की पल पल की खबर तुम्हें दे सकूं, और अब तुम मुझसे ये उम्मीद कर रहे हो कि मैं दिन और रात का वक्त देखूं, तुम शायद ये भूल रहे हो कि मैं आग हूं आग, और तुमने मुझे जिन शक्तियों का इस्तेमाल करके बनाया है उसकी वजह से बिना अपना काम किए ना तो मैं रह सकती हूं और ना वापस लौट सकती हूं, तो जब तक मेरा मकसद चल रहा है मैं पल पल की खबर तुम्हें दूंगी, और ये बात तुम बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। सुमेर ने कहा, ठीक है ये सब छोड़ो और मुद्दे की बात करो, बताओ क्या बात है, ऐसा भी क्या हो गया कि तुम्हें इसी वक्त मुझसे मिलने आना पड़ा? वो बोली, तुम्हारे खिलाफ कोई बहुत बड़ी साजिश हो रही है। ये सुनकर सुमेर ने चौंकते हुए कहा, कैसी साजिश? अनन्या बोली, अगर मुझे ये पता होता तो मैं तुम्हें सीधा उस साजिश के बारे में नहीं बताती क्या, मैं सीधा उस बात को तुम्हें बता ही देती, और मुझे ऐसा भी लगता है कि उन लोगों को मुझ पर कहीं ना कहीं शक जरूर हो गया है, क्योंकि अब ध्रुव बहुत सोच समझकर कोई भी बात करता है, इसलिए मुझे सिर्फ यही पता चल पाया है कि उसके दिमाग में तुम्हारे खिलाफ कोई प्लान है, वो तुम्हें बहुत बुरे तरीके से फंसाने की प्लानिंग कर रहा है, शायद वो तुम्हें पुलिस वाले मामले में ही उलझाएगा, तुम सतर्क रहना, मैं बस यही कहने आई थी। अनन्या अपनी बात कर ही रही थी कि सुमेर की नजर ध्रुव पर पड़ी जो तेजी से बाइक लेकर हवेली की तरफ निकल रहा था। ध्रुव के पीछे बैठी उस लड़की का चेहरा तो सुमेर नहीं देख पाया, लेकिन उस लड़की के उड़ते हुए बालों ने जरूर सुमेर का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया।
सुमेर अपने मन में बोला, आखिर ये इस वक्त किसको लेकर जा रहा है। इतना सोचते हुए सुमेर को पता ही नहीं चला और उसने अपनी जीप को वापस हवेली की तरफ मोड़ लिया था। ये देखकर अनन्या एकदम से चीखती हुई बोली, सुमेर संभाल कर, तुम मुझे घर छोड़ने जा रहे थे। सुमेर ने जीप रोकी और बोला, ये तो तुम भी जानती हो कि तुम अनन्या नहीं हो और ना ही तुम्हारे पैर में कोई चोट आई है। तुम जाओ और जाकर देखो कि आखिर वहां चल क्या रहा है। मुझे एक जरूरी काम याद आ गया है, मुझे इसी वक्त हवेली जाना होगा। उसे समझ में नहीं आया कि आखिर सुमेर को अचानक से हो क्या गया था, लेकिन उसने सुमेर से ज्यादा सवाल नहीं किए क्योंकि उसे सिर्फ अपने काम से मतलब था। वो जीप से उतर गई और फिर सुमेर तेजी से अपने जीप को हवेली की तरफ बढ़ा चुका था। सुमेर जैसे ही हवेली के भीतर जीप लेकर गया, उसने देखा कि साइड में वो रंग बिरंगी मोटरसाइकिल खड़ी थी जिस पर ध्रुव आया था और उसके साथ कोई लड़की थी। सुमेर तेजी से इधर उधर देख रहा था। उसकी नजर बरामदे में बैठी ठकुराइन और ध्रुव पर तो पड़ी, लेकिन वो लड़की उसे कहीं दिख नहीं रही थी। सुमेर अपने मन में बोला, आखिर वो लड़की थी कौन? वो यहाँ कहीं दिख क्यों नहीं रही है? आखिर गई कहाँ होगी? क्योंकि आई तो वो ध्रुव के साथ ही थी। तभी उसके कानों में किसी की हंसी की आवाज आई। उसने देखा कि ठकुराइन और ध्रुव तो नहीं हंसे थे और ना ही उनके आसपास कोई और था। सुमेर मन ही मन बोला, अगर ये लोग नहीं हंसे तो आखिर ये आवाज आ कहां से रही है? सुमेर ने जब नजर घुमाकर देखा तो उसकी नजर बगीचे में खिलखिलाती हुई चेरी पर पड़ी और वो बस अपना मुंह खोले उसे देखता रह गया।